Okay, children, now I am going to continue the same chapter. Now we come to the topic terms related to sound waves. Sound travel in the form of waves. जैसे पानी की लहरें उठती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर उठती है, फिर नीचे जाती है. तो जैसे पानी की waves उठती और नीचे जाती हैं, उसी तरह से sound भी travel करता है, है ना. Waves are characterized by three basic quantities, that is frequency, amplitude and time period. अब ये जो लहर के उठने और नीचे गिरने का क्रम है, इसको हम तीन तरह से measure कर सकते हैं. उनमें three quantities होती हैं. पहली होती है frequency, second is amplitude, that is height of the wave, and time period, the time taken for one complete wave, that is time period. So we can see it by the help of a pendulum. Pendulum को दीवार से एक string से लटका दीजिए और उसे एक बार move करा दीजिए, तो you will see कि अपने mean position से वो left move किया, फिर पूरा right उतना ही move किया, फिर वापस अपने mean position पे आया. इस तरह लगातार वो पेंडुलम मूव करने लगता है. सो इन द फिगर यू कैन सी द बी एंड सी इज द एक्सट्रीम पोजीशन फॉर द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, एंड वेयर एज इन द सेंटर ए इज द मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम. सो ए से मूव करके बी तक गया, बी से सी पर गया और सी से वापस ए पर आया, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन. इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन. और वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड. वन कंप्लीट ऑसिलेशन को, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा, पेंडुलम जितना टाइम लिया, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ मूविंग पेंडुलम. ठीक है, लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, दैट इज द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. जस्ट आई टोल्ड यू द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स to and fro, the maximum displacement of the bob from its mean position on either side is called the amplitude of pendulum. जैसे इस फिगर में आप देखिए, जो A से B तक का डिस्टेंस है, A से B तक का डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. या A से C तक का डिस्टेंस है, इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तो मैंने अभी बता ही दिया कि टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. नाउ थर्ड इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड. वन सेकेंड में पेंडुलम कितने ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. वन सेकेंड में वो टू ऑसिलेशंस कंप्लीट किया या थ्री किया या वन ही किया, तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. और इन एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज. इट इज़ नेम्ड in the honor of German physicist, that is Heinrich R. Hertz, and it is denoted by n, small n or small f. One hertz is equal to total number of oscillations per second, so we can write f is equal to 1 upon t, means time. 1 is the number of oscillation and t is the time taken.
When a simple pendulum makes 4 oscillations in 1 second, then its frequency will be 4 hertz. Means 4 upon 1, it will be 4 hertz. Now, characteristics of sound. This we will do in the next video.